दोस्तों वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत और भारतीय टीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी कोच राहुल द्रविड़ ने बड़े बदलाव करते हुए सभी को चौंका दिया है और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कई बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने अचानक से इन तीन भूखे शेरों को टीम में वापस बुला लिया है, जिससे भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। और अब भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भारत अपने शुरुआती दौर में खेले गए 5 मुकाबले में 5 मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। और अब दोस्तों टीम इंडिया चाहेगी कि वह इस मुकाबले को भी जीत कर सेमीफाइनल की जगह को पक्के कर ले। तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में केवल एक ही मुकाबले को जीत कर पॉइंट टेबल के 10वें स्थान पर बने हुए हैं। और इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि वह इस मुकाबले को जीत कर वर्ल्ड कप 2023 में बने रहे। आपको बता दें कि अगर इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को हार जाती है तो वह इस विश्व कप से बाहर भी हो सकते हैं। इस लहजे से देखें तो यह मुकाबला खासकर टीम इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला है। तो यही भारतीय टीम भी चाहेगी कि वह इस मुकाबले को जीत कर अपने सेमीफाइनल की राह को और भी पक्की कर ले और इंग्लैंड टीम को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दे। ऐसे में कोच राहुल द्रविड़ सेमीफाइनल की जगह को पक्की करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में केवल खतरनाक और विस्फोटक खिलाड़ी को ही शामिल किया है, जो इंग्लैंड की टीम को आसानी से धूल चटा कर रख देंगे। तो ही इस मुकाबले में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड से मिली 10 विकेट से हार का बदला जरूर लेना चाहेगी, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आया है और वह इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होने वाले हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान घातक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। वह चोट के चलते बीच खेल में ही टीम इंडिया से बाहर हो गए थे और अब उस मुकाबले के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बड़ा अपडेट दिया है। हालांकि उन्होंने बताया है कि हार्दिक पांड्या का चोट गंभीर नहीं है और वह कुछ मुकाबले के बाद फिर से टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में वापसी कर लेंगे। और अब दोस्तों 29 अक्टूबर को एकाना के मैदान पर होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या को टीम से आराम दिया गया है। और अब दोस्तों राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हेड कोच राहुल द्रविड़ ने किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है और किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है। सब कुछ डिटेल्स के साथ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह मुकाबला 29 अक्टूबर को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में अब तक भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड टीम को 3 विकेट से हराया, वह काबिले तारीफ था। वर्ल्ड कप में अब तक हुए मैच में भारतीय टीम के अलग अलग बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं और गेंदबाजों ने भी अपनी भूमिका को बखूबी समझा है और इंग्लैंड के खिलाफ भारत के सभी 11 भूखे शेर भी तैयार हो गए हैं। वहीं इस मुकाबले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों रोहित शर्मा और सुमन गिल बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं। पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और सुमन गिल ने भारतीय टीम को धुआंधार शुरुआत दिलाई थी। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में 40 चार चौके और 4 छक्कों की मदद से 40 रनों की शानदार पारी खेली थी और सुमन गिल ने इस मुकाबले में 30 गेंदों में 5 चौके की मदद से शानदार 26 रन बनाए थे। इस विश्व कप में रोहित शर्मा और सुमन गिल ने पारी के पहले पावर प्ले को आड़े हाथों लिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के दोनों ओपनर ने पावर प्ले में विपक्षी टीमों को गेंदबाज को बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया है और पहले पावर प्ले के अंदर रोहित शर्मा और सुमन गिल खूब रन बनाए हैं। और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों से टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होंगे। तो यहीं पर दोस्तों तीसरे नंबर पर दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और टीम इंडिया के सबसे सफल चेस मास्टर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 104 गेंदों में
8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 95 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेली थी और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि विराट कोहली ने इस मुकाबले में शतक नहीं लगा पाए थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से केवल 1 शतक पीछे है और कोहली 1 और शतक लगाते ही विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज की सूची में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 पर राहुल द्रविड़ ने श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। दोस्तों श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर का एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जल्दी विकेट गिरने पर वह भारतीय टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर अकेले विकेट पर खड़े रहकर अपनी टीम को जीत दिलाने का क्षमता रखते हैं। वही नंबर 5 पर हेड कोच राहुल द्रविड़ ने केएल राहुल को मौका दिया है। केएल राहुल को लाजवाब राहुल भी कहा जाता है। केएल राहुल टीम इंडिया के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। दोस्तों केएल राहुल वर्ल्ड कप में अब तक 5 मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं और केएल राहुल लगातार रन बना रहे हैं। वह भारतीय टीम के लिए एक मैच विनर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ भी एक शानदार पारी खेलेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर राहुल द्रविड़ ने हार्दिक पांड्या की जगह पर सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया है। मिस्टर 360 डिग्री नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं और सूर्य मैच को फिनिश करने का क्षमता भी रखते हैं। वहीं नंबर 7 पर कोच राहुल द्रविड़ ने रविंद्र जडेजा को अपने टीम में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि जडेजा ने अब तक खेले गए मुकाबले में बल्ले से, गेंदबाजी से और फील्डिंग से टीम इंडिया के लिए बेहतर प्रदर्शन किए हैं। तो वहीं 8वें नंबर पर कोच राहुल द्रविड़ ने शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, शमी के अंदर काबिलियत कूट कूट कर भरा है, जिसका नतीजा हमें न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में देखने को मिला। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए और इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन शुरुआत की है। 9वें और 10वें नंबर पर कोच राहुल द्रविड़ ने मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल कर लिया है। दोनों ही खिलाड़ियों को टीम इंडिया विकेट टेकर बॉलर के रूप में देखा जाता है और दोनों ही गेंदबाज ने इस विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन भी किए हैं। 11वें नंबर पर राहुल द्रविड़ ने चाइनामैन कुलदीप यादव को टीम में शामिल कर लिया है। कुलदीप यादव ने इस विश्व कप में बेहतरीन गेंदबाजी की है। ये थी दोस्तों कोच राहुल द्रविड़ का प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर दोपहर 2 बजे से मैदान पर उतरने वाली है।